हाई गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई गेस थोड़ा आइडिया आपको इस वीडियो के टाइटल से मिल गया होगा। थोड़ा आइडिया मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पस क्या है। सो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI आज के दिनों में इट्स अ बज वर्ड, हर कोई इनकी बात कर रहा है। अब कोई टेक्नोलॉजी जब बज वर्ड बन जाती है ना, तो उसके साथ एक प्रॉब्लम होने लगता है, और वो प्रॉब्लम है मिस इन्फॉर्मेशन का। मतलब उसके बारे में सही बात के साथ साथ गलत बातें भी फैलने लग जाती हैं, और ऐसा सच में हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि डेटा साइंस सैलरी कैसी है, एंड गेस व्हाट, मुझे लाइन से इस तरह के वीडियोस मिल रहे हैं जहाँ पर कॉन्स्टेंटली थंबनेल्स में ये दिखाया जा रहा है कि डेटा साइंस में तो बहुत सैलरी है, 4 करोड़ की सैलरी है, 50 लाख की सैलरी है, किसी की 30 लाख की सैलरी है। एट द सेम टाइम जब मैंने एक दूसरे टैब में सर्च किया इज डेटा साइंस डेड, तो अगेन मुझे बहुत सारे वीडियोस मिले, बहुत सारे थंबनेल्स मिले जहां पे ये बताया जा रहा है कि डेटा साइंस तो मरने वाला है, डेटा साइंस तो 2030 तक खत्म हो जाएगा, 2025 तक सारे के सारे जॉब्स ऑटोमेटेड हो जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे थंबनेल्स आ रहे हैं। अब इमेजिन करो, अगर कोई दूसरी फील्ड से कोई बंदा ट्रांजिशन करना चाहता है डेटा साइंस AI की फील्ड में, तो उसको इस दोनों तरह के वीडियो से कंफ्यूजन होने लगेगा और उसको समझ में नहीं आएगा कि इस फील्ड में घुसना चाहिए या नहीं घुसना चाहिए। तो मैंने यही टारगेट लिया इस वीडियो में कि मैं आपके सामने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रखने वाला हूँ इस फील्ड के बारे में। डेटा साइंस बुला लो, AI बुला लो, मशीन लर्निंग बुला लो, मुझे इस वीडियो में आपके सामने अपना ओपिनियन रखना है कि मैं क्या सोचता हूँ कि इन फील्ड का फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, गेस व्हाट, मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि मेरा जो ओपिनियन है ना, वो बहुत ही पॉजिटिव है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शायद मैं डेली बेसिस पे इस तरह के काम में इन्वॉल्व हूँ, मैं बहुत आर्टिकल्स पढ़ता हूँ और बहुत लोगों को मैंने फॉलो कर रखा है जो इस फील्ड में बहुत आगे जा चुके हैं। बट जो भी है, मैं आपके सामने बड़े बड़े नंबर्स थ्रो नहीं करूँगा। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि 2 करोड़ की सैलरी मिल जाती है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि हज़ारों लाखों जॉब्स हैं। इनफैक्ट मैं आपके सामने एक थ्योरी के थ्रू सिस्टमैटिकली प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस इज़ अ फील्ड फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर में ये फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ऑल विद द हेल्प ऑफ अ थ्योरी एंड सम एग्जांपल्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक थ्योरी रखना चाहता हूँ। इस थ्योरी का नाम है लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। ये थ्योरी डिफाइन करता है कि कोई भी नया टेक्नोलॉजी मार्केट में पेनेट्रेट कैसे करता है, और इसको समझने के लिए आपको बस ये छोटा सा इमेज देखना है। यू कैन सी इस इमेज में 5 पार्ट्स हैं, और पहला पार्ट है इनोवेटर्स, जो 2.5% है टोटल पॉपुलेशन का। सेकेंड पार्ट है अर्ली अडॉप्टर्स, जो है 13.5%। उसके बाद है अर्ली मेजॉरिटी 34%, उसके बाद लेट मेजॉरिटी 34%, और सबसे लास्ट में आते हैं लैगर्ड्स 16%। सो ये थ्योरी क्या बोलता है कि कभी भी कोई नया टेक्नोलॉजी या इनोवेशन जब मार्केट में एंटर करता है ना, तो उसको सबसे पहले यूज़ करने वाले लोग जो होते हैं उनको इनोवेटर्स बोला जाता है, और वो जनरली 2.5% ऑफ द पॉपुलेशन होते हैं, और ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये काइंड ऑफ मार्केट में उस प्रोडक्ट को लेकर आते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं अर्ली अडॉप्टर्स, जो इनोवेटर्स को देख करके इंस्पायर होते हैं और उनके अंदर एक बिलीफ होता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट, ये टेक्नोलॉजी अच्छा है और इसको यूज करना चाहिए। ठीक है, जैसे ही अर्ली अडॉप्टर्स से प्रोडक्ट अच्छा फीडबैक लेके आगे बढ़ता है, तो फिर वो मूव कर जाता है अर्ली मेजॉरिटी में, जो कि 34% ऑफ द पॉपुलेशन है, और फिर उसके बाद लेट मेजॉरिटी में, और फाइनली लैगर्ड्स, ऐसे लोग जो शुरू में अगेंस्ट थे प्रोडक्ट के, वो भी यूज करने लग जाते हैं उस प्रोडक्ट को। तो थ्योरी ये बोलती है कि अगर एक बार आपकी टेक्नोलॉजी या फिर आपके प्रोडक्ट ने अर्ली अडॉप्टर्स वाला जो स्टेज है, 13.5% वाला जो स्टेज है, उसको सक्सेसफुली अगर क्रॉस कर लिया, और अगर वो अर्ली मेजॉरिटी में एंटर कर गया, विच इज 34% ऑफ द पॉपुलेशन, तो बहुत बड़ा प्रोबेबिलिटी है कि वो टेक्नोलॉजी, वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, मास पेनिट्रेशन कर जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अर्ली अडॉप्टर्स और अर्ली मेजॉरिटी के बीच में देयर इज दिस गड्ढा, जिसको द कैज्म बोला जाता है, और इसी को जंप कर पाना सबसे मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो पास्ट में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई हैं जिन्होंने ये पूरा का पूरा जर्नी कवर किया है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी भी रही हैं
जो अर्ली अडॉप्टर वाले स्टेज से फेल कर गई। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दे सकता हूँ। जैसे कुछ साल पहले गूगल ग्लास बोल के एक प्रोडक्ट आया था गूगल का, और उसके बारे में बहुत हाइप बनी थी, बट वो प्रोडक्ट कभी भी मेन स्ट्रीम मार्केट में सेल नहीं हो पाया, बिकॉज उसके साथ ये सेम इशू हुआ कि अर्ली अडॉप्टर्स ने ही उसको रिजेक्ट कर दिया, और वो कभी भी आपका अर्ली मेजोरिटी में नहीं घुस पाया 34% पॉपुलेशन में। सेम गोज विथ होम ऑटोमेशन प्रोडक्ट। अराउंड 2013 बहुत बज क्रिएट हुआ था अराउंड होम ऑटोमेशन, बट इंडिया जैसे मार्केट में एटलीस्ट अर्ली अडॉप्शन के अलावा कभी भी वो मेन मार्केट में नहीं आ पाया। बट ऑन द फ्लिप साइड देर आर सर्टेन टेक्नोलॉजीज जो इस पूरे के पूरे डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन को फॉलो करती है और सक्सेसफुली फॉलो करती है। मैं आपको उनमें से एक का एग्जाम्पल दूंगा, और एग्जाम्पल है इंटरनेट। ठीक है, मुझे लगता है कि पिछले 100 सालों का सबसे बड़ा जो रिवॉल्यूशन रहा है ह्यूमन हिस्ट्री में वो इंटरनेट रहा है, एंड इट फॉलोज द सेम ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले जो इनोवेटर्स थे जिन्होंने इसको बनाया इंटरनेट को, उन्होंने इसको यूज़ किया। उसके बाद अर्ली अडॉप्टर्स आए। अर्ली अडॉप्टर्स इंटरनेट के थे आर्मी एज इन डिफेंस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, उन्होंने इसको यूज़ किया तो दे रियलाइज्ड कि सच में यार ये बहुत काम की चीज़ है और इसको मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट बनना चाहिए, और फिर हम उसको पुश करके आगे ले गए इनटू द अर्ली मेजॉरिटी, जहाँ पर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में लोग उसको यूज़ करने लगे, और बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आने लगी लाइक गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, जिससे एक मास अडॉप्शन हो गया। हर घर में इंटरनेट यूज़ होने लगा। जैसे ही वो यूज़ होने लगा तो फिर लेट मेजॉरिटी वाले लोग आए, बेसिकली बहुत सारे बिजनेसेस आ गए, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, और अपना प्रोडक्ट वो आकर के इंटरनेट पर सेल करने लग गए। और अब आज ऐसा सिनेरियो आ गया है कि जो शुरू में क्रिटिक्स थे, जो उतना अपनाने की कोशिश नहीं करते थे इंटरनेट इंटरनेट को, आज की डेट में वो लोग भी इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, द लैगर्ड्स। जैसे मुझे पता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि अभी जज है, और उसने मुझे बताया कि अभी वो जितनी भी अदालत में बैठता है और केसेस लेता है वो ऑनलाइन होता है, ऑन जूम कॉल्स। तो ये एक्चुअली डिस्क्राइब कर रहा है इंटरनेट का सक्सेस थ्रू दिस चार्ट। तो मैं इस चार्ट और इंटरनेट की केस स्टडी को यूज करके आपके सामने रखना चाहता हूं एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस कैसे फॉलो कर रहा है इस चार्ट को। लेट्स सी दैट। तो थोड़ी देर के लिए, इस डिस्कशन के लिए, इस इमेज को हम यहाँ साइड में रखते हैं और अब अपना डिस्कशन चालू करते हैं। तो इफ़ यू टॉक अबाउट डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, तो ये जो पहला स्टेज है ना, इनोवेटर वाला स्टेज, यहाँ पर एआई ने बहुत टाइम स्पेंड किया। मतलब 1950s से बात हो रही थी कि एआई जैसी कोई चीज़ आएगी मार्केट में और सब कुछ मैजिकल कर देगी। उस जगह पे अराउंड 50-60 ईयर्स एआई ने स्पेंड किया। इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स फेल होके बाहर निकली टेक्नोलॉजी, फिर वापस आई। तो यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया है एआई ने। इनोवेटर्स कौन रहे हैं? यही जो हमारे आज के हीरोज़ हैं, यान लीकुन हुए, जॉफरी हिंटन हुए, जो भी ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जिन लोगों ने डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स बनाए, उन लोगों ने यहाँ पर बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत एफर्ट मारा। वहाँ से सेकेंड स्टेज में कैसे आया, सेकेंड स्टेज हुआ अर्ली अडॉप्टर्स वाला। अर्ली अडॉप्टर वाले स्टेज में कैसे आया? विद द हेल्प ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट, इंटरनेट की वजह से डेटा बहुत ज़्यादा आने लग गया, क्योंकि मशीन लर्निंग एआई में डेटा की ज़रूरत है। और सेकेंड, हार्डवेयर बहुत इंप्रूव कर गया बिकॉज ऑफ मूर्स लॉ। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जो बार बार स्टेज वन पे फेल हो रहा था एआई, वो स्टेज टू तक पहुंच पाया। अब स्टेज टू क्या है? स्टेज टू है अर्ली अडॉप्टर्स। आप गेस कर सकते हो कौन है अर्ली अडॉप्टर्स? द आंसर इज बिजनेसेस। जो भी ये बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, गूगल, फेसबुक, एमेजॉन, जिनके पास बहुत सारा डेटा था, बहुत सारा कंप्यूट था, और उनके पास बहुत तगड़े इंजीनियर्स थे, उन लोगों ने जब देखा कि यार इस फील्ड में पोटेंशियल है, तो उन्होंने सबसे पहले इस फील्ड को अपने प्रोडक्ट में डालने की कोशिश शुरू की। सो उनके पास सॉफ्टवेयर्स थे, उन्होंने उसको इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश शुरू की, और उससे उनको फ़ायदा दिखने लगा। उनको दिखने लगा कि जहाँ पर वो 10 कस्टमर ला पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ देयर सॉफ्टवेयर, आफ्टर पुटिंग एआई इनटू दैट, अब 10 के बदले 100 लोग आ पा रहे हैं। तो जो अर्ली अडॉप्टर्स रहे हैं अभी तक, इस पॉइंट तक, वो रहे हैं बिजनेसेस, अलग अलग डोमेन के बिजनेसेस। आप टेक्नोलॉजी कंपनीज को उठा लो, आप बैंकिंग कंपनीज को उठा लो, आप इंश्योरेंस कंपनीज को उठा लो, ये सारे जो बिजनेसेस रहे हैं ना, जो पैसा कमाना जिनका मेन गोल है, जिनके पास था वो पोटेंशियल, था वो टैलेंट कि वो एआई यूज़ कर पाते, उन्होंने फिर एआई को यूज़ किया, और वो था हमारा अर्ली अडॉप्शन स्टेज। और आप बोल सकते हो कि 2011 से लेकर के 2020-22 तक अभी तक हम लोग अर्ली अडॉप्शन स्टेज में ही चल रहे थे। गेस व्हाट, अब धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं।
अर्ली अडॉप्शन में ऑलरेडी ये प्रूव हो चुका है कि एआई मशीन लर्निंग अब उस लेवल पे आ चुका है कि ये पूरी दुनिया में घुस के अलग अलग फील्ड्स में रिवॉल्यूशन ला सकता है। तो अब वो जो कैज में वो जो गड्ढा है उसको क्रॉस करने वाला है ML और AI, और अब मूव करने वाला है अर्ली अडॉप्शन वाले स्टेज में। और ये सच में अब इसके हिंट्स दिखाई दे रहे हैं। अब बहुत सारी फील्ड्स हो गई, जैसे कि साइंस, स्पेस, मेडिकल, इन सारे फील्ड्स में अब धीरे धीरे आपको न्यूज़ में सुनाई देता होगा कि AI किस तरीके से पेनिट्रेट कर रहा है और नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। सबसे बड़ा एग्जांपल जो मेरी नज़रों में है वो है अल्फा फोल्ड। आई होप आपने अल्फा फोल्ड के बारे में सुना होगा। सो अल्फा फोल्ड इज़ अ एल्गोरिदम बिल्ट बाय डीप माइंड। और अल्फा फोल्ड करता क्या है कि प्रोटीन्स जो होते हैं ना, प्रोटीन्स का 3D स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करता है। और अपेरेंटली प्रोटीन्स का 3D स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसको ही यूज़ करके आप बहुत तरीके का स्टडी और वैक्सीन्स वगैरह डेवलप कर सकते हो। सो अल्फा फोल्ड इज़ अ मशीन लर्निंग मॉडल जहाँ पर अगर आप उस प्रोटीन के बारे में कुछ डिटेल्स प्रोवाइड कर दो तो झट से अल्फा फोल्ड प्रिडिक्ट करके बता देता है कि 3D में उस पर्टिकुलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा ये कितनी बड़ी बात है। पहले एक सिंगल प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर फाइंड करने में साइंटिस्ट लोगों को एटलीस्ट 2 साल लगते थे, और अब ये विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर विद इन मिनट्स किया जा सकता है। गेस व्हाट, अल्फा फोल्ड वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरीज इन द लास्ट 50 ईयर्स, और उसके होने की वजह से कोविड के वैक्सीनेशन में भी बहुत हेल्प मिला। और लोगों का मानना है कि फ्यूचर में बायोलॉजी को ये 50 साल आगे ले जा चुका है जस्ट दिस सिंगल डिस्कवरी। ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट स्पेस, तो स्पेस में आज की डेट में आप शायद डेली बेसिस पे न्यूज़ सुनते होगे कि एक नया प्लैनेट डिस्कवर हुआ विद द हेल्प ऑफ AI। जितने भी स्पेस प्रोग्राम्स आज की डेट में प्लान हो रहे हैं उनका इंटीग्रल पार्ट बन चुका है AI। इफ यू टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, आज के डेट में सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऑलरेडी रोड पे उतर चुकी हैं। आई नो हम इंडिया में रहते हैं और हमें लगता है कि यार पॉसिबल ही नहीं है कि इंडिया में कभी सेल्फ ड्राइविंग कार घूमेगी, बट गेस व्हाट, आप 1970s में जाके किसी को बोलते ना कि फ्यूचर में तू अमेरिका में बैठे किसी बंदे से वीडियो कॉल कर पाएगा तो वो भी नहीं मानता, बट आज की डेट में हम वो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पक्की बात है कि विद इन 10 ईयर्स इंडिया में भी सेल्फ ड्राइविंग कार्स घूमेंगी। ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट मेडिकल साइंसेज, आज की डेट में ड्रग डिस्कवरी में AI मशीन लर्निंग बहुत यूज़ हो रहा है। अर्ली डिजीज प्रिडिक्शन के लिए AI मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग को यूज़ किया जा रहा है। तो ये वो फील्ड्स हैं ना जो हमारे अर्ली मेजॉरिटी का काम करने वाले हैं। ये वो 34% में अब हम धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि अब फ्यूचर क्या है। फ्यूचर ये है कि अर्ली मेजॉरिटी वाले 34% में तो हम अब तेजी से फैलेंगे ही फैलेंगे, लेट मेजॉरिटी वाला जो 34% है ना, हम वहां भी घुसने वाले हैं। मुझे 3 मेजर चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। पहला, हम ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में जी रहे हैं, इन द सेंस हमारे लाइफ का ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट किसी ना किसी सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ है। अब क्या होने वाला है कि उस सॉफ्टवेयर को इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश की जाएगी, जो भी सॉफ्टवेयर है उसको इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश की जाएगी। और सॉफ्टवेयर को इंटेलिजेंट बनाने का एक ही तरीका है, AI। इसका मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर्स, एप्स आप आज की डेट में यूज़ कर रहे हो, इवेंचुअली विद इन 1 to 2 ईयर यू वुड सी कि वो अब थोड़े और ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे, कुछ और डिसीजन मेकिंग हमारे बिहाफ में कर पाएंगे, और ये करने के लिए उनको AI की ज़रूरत पड़ी। सेकेंड, वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर वी आर जनरेटिंग डेटा एट अ एक्सपोनेंशियल पेस। हर इंडिविजुअल डेली बेसिस पे इतना डेटा जनरेट कर रहा है, डू यू रियली थिंक बिजनेसेस इस अपॉर्चुनिटी को मिस करने वाले हैं? उनको दिख जाएगा कि इस डेटा का अगर वो इनसाइट्स निकाल पाएं तो वो अपने बिजनेस को 10-fold ग्रो कर सकते हैं। और वही होने वाला है, जो भी कंपनीज आज की रेट में डेटा को उस तरीके से प्रोसेस नहीं कर रही हैं, विद इन 5 ईयर्स यू वुड सी कि एवरी कंपनी विल गेट इनटू डेटा एंड फाइंड इनसाइट्स, और उनका एंड गोल होगा इंटेलिजेंट प्रोडक्ट्स बनाना सो दैट वो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर पाए। और अगेन इसमें उनको हेल्प करने वाला है डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड AI। और थर्ड, जो सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में ह्यूमैनिटी को घेरे हुए, उनके ऊपर डेटा साइंस और AI मशीन लर्निंग को अप्लाई किया जाएगा। बिकॉज इवेंचुअली लोगों को लगेगा कि जब सारी प्रॉब्लम्स को AI के थ्रू सॉल्व किया जा रहा है तो वाई नॉट सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो। जो गवर्नमेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन, उसके ऊपर गवर्नमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशंस काम करना स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट कुछ केसेस ऑलरेडी मुझे देखने को मिल रहे हैं। इट वुड गेट इनटू
डे टू डे लाइफ ऑल्सो, मतलब ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में कोई डिवाइस बन पाए, एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर जिसको पहन के हम किसी भी कंट्री में जाकर किसी भी लैंग्वेज के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाए, या फिर एजुकेशन में देर कुड बी अ रेवोल्यूशन जहाँ पर एक AI बेस्ड ट्यूटर अपने आप समझ पा रहा है कि क्लास के हर बच्चे को किस तरह की परेशानी है और हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन दे पा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स में जब AI घुसने लगेगा ना, तो फिर हम लोग एक कंप्लीट मार्केट कैप्चर कर लेंगे और वही होने वाला है अगले 10 सालों में। 2030 में लिख के ले लो, आई एम प्रेटी श्योर कि जस्ट लाइक इंटरनेट, AI विल कंप्लीट दिस लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन सक्सेसफुली। ठीक है, आई गेस मैं आपको कन्विंस कर पाया कि जो अभी तक हो रहा है और जो फ्यूचर में होने के चांसेस हैं, अगर आप उसको मिला दो तो AI इज द फ्यूचर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम क्यों परेशान बैठे हैं जब सब कुछ इतने अच्छे से हो रहा है। हम इसलिए परेशान बैठे हैं बिकॉज हम बहुत शॉर्ट टर्म देखते हैं, हम बस वही देखते हैं जो हमें दिखाई देता है। और इस पॉइंट पे अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी है। कोविड आके गया है, रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, चाइना अपने कुछ मर्जी कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से देर इज़ दिस ग्लोबल रिसेशन काइंड ऑफ सिनारियो जहाँ पे आपको न्यूज़ में ऐसा देखने को मिल रहा है कि यार जॉब्स नहीं हैं या फिर पता नहीं ये फील्ड आगे नहीं रहेगी। देर इज़ अ नेगेटिव सेंटिमेंट इन द मार्केट, बट यार दिस इज शॉर्ट टर्म थिंकिंग। ठीक है, आपको सच में लगता है कि अगले 10 साल रिसेशन रहने वाला है? इकोनॉमिक्स साइन वेव्स में काम करता है, ऊपर नीचे मार्केट पूरे टाइम होता है। कल को जब ये सब कुछ ठीक होगा ना, तो वो सारे जॉब्स वापस आ जाएंगे। और ये जॉब्स वापस नहीं भी आए तो अब इतने तरह के डोमेन्स में AI घुसने वाला है ना कि अगर आपने खुद को सही तरीके से एजुकेट कर लिया, अगर आप एक अच्छे AI इंजीनियर बन गए, तो ट्रस्ट मी आप खाली तो नहीं बैठने वाले, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। सो इट डज़ नॉट मैटर कि आप किसी दूसरी फील्ड से आ रहे हो, या आप फ्रेशर हो जिसको लगता है कि मशीन लर्निंग में तो जॉब्स ही नहीं है, या फिर आप इन जनरल थोड़े टेंशन में रह रहे हो कि यार मेरा होगा क्या, मैंने पढ़ना तो शुरू कर दिया है बट पता नहीं जॉब लगेगी कि नहीं। मैं आपको सिर्फ एक सजेशन देता हूँ, सर झुकाओ, अच्छे से पढ़ना चालू करो। एकदम एक ही गोल रखो अपने दिमाग में कि मुझे खुद को इतना अच्छे से एजुकेट करना है ना कि अगर एक जॉब भी हो मार्केट में तो वो मुझे दिया जाए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जिस तरीके से ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ने वाली है ना, फ्यूचर में जो स्किल्ड AI इंजीनियर्स होंगे ना, उनको सर आंखों पे रखा जाएगा। ठीक है, अभी मार्केट सेंटिमेंट शायद उतना अच्छा नहीं है, बट वंस द मार्केट सेंटिमेंट इज पॉजिटिव, जो भी स्किल्ड इंडिविजुअल्स होंगे इस फील्ड में, उनको बहुत हाई पैकेज और बहुत अच्छे जॉब से काइंड ऑफ उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ खुद पे शक मत करो, मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि इट इज़ अ ग्रोइंग फील्ड एंड इट विल ग्रो मच मोर इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, जाते जाते आपके लिए एक कोट दे के जा रहा हूँ मैं, आपने शायद बहुत सारे कोट्स पढ़े होंगे, एक कोट मेरी तरफ से आपके लिए। इफ़ यू हेल्प क्रिएट द फ्यूचर, यू विल नेवर बिकम द पास्ट। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।